युवा और छात्रों को आईटी सेल से लेकर के पटना बुलाया। पटना में पप्पू यादव उस दिन सभी छात्रों को, सभी युवाओं को और सभी सक्रिय सदस्य को मैंने बुलाया है। नवंबर से दिसंबर में हम गांधी मैदान में रैली करेंगे। उसी दिन मेरा दूसरी किताब जो जेल है उसका लोकार्पण होना है और वहीं से बिहार बदलने का नारा हम शुरू करेंगे 9 तारीख से। इसलिए 9 मई के बाद हम तय करेंगे कि हमको क्या करना। जब नवंबर दिसंबर में गांधी मैदान में रैली हम करेंगे उसके बाद तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है, क्या अकेले जाना है। तो बिहार का, बिहारियों का जो शोषण हुआ है, बिहारियों एजुकेशन और हेल्थ से लेकर के बिहारियों के विकास के सवाल पर हम सुन्न है, नगण है, तो हम जात और धर्म और मजहब और जय श्री राम और हनुमान में तो नहीं फंसेंगे ना, हम भामाशाह और परशुराम जी में तो नहीं फंसेंगे ना, हम तलवार उठा के नफरत की दीवार में तो नहीं फंसेंगे। हमें तो युवाओं के रोजगार पर खड़ा होना है, हमें एजुकेशन और हेल्थ की बात करना है। तो हम एक बदलाव की बात है मेरी, और वो है उसमें कोई चिंता की विषय नहीं, हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और हेल्थ क्रेडिट कार्ड लागू किया है बाबा साहब अम्बेडकर के, कि जो भी बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे जो छात्र पढ़ना चाहता है उसको 1500 रुपया जन अधिकार पार्टी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में देगी, और जो इलाज कराएगा जहां भी बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन उसको 1500 रुपया इलाज के लिए अस्पताल में देगी। तो दो हमने शुरू किए, हमारा रिफॉर्म है हमारी पार्टी, हम धर्म और मजहब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जात का अनुवाद नहीं फैला किसी भी कीमत।